हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक एक्सेलेंस इन स्कूल। इस वीडियो में हम आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फुल चैप्टर एक्टिविटी के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी सम सिचुएशंस व्हाट हैपेंड व्हेन। हम कुछ सिचुएशंस के बारे में पढ़ेंगे कि अगर ये सिचुएशंस होती हैं तो उसके बाद क्या होता है। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। अगर हमने दूध को अपने रूम के अंदर समर के दिनों में ऐसे ही छोड़ दिया है तो क्या होगा। एन आयरन नेल लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफेयर। एक आयरन नेल है, उसको हमने ह्यूमिड एटमोसफेयर में छोड़ दिया तो क्या होगा। ह्यूमिड का मतलब है नमी वाले एटमोसफेयर में छोड़ दिया तो क्या होगा। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स किस तरीके से फर्मेंट होती हैं, उनका क्या प्रोसीजर है, वो कैसे होती हैं, इसके बारे में। सो इन तीनों सिचुएशंस में, इन ऑल दी सिचुएशंस इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। जितने भी ये तीन सिचुएशंस हैं, इसमें शुरू में जो चीज़ है वो बाद में बदल जा रही है। जैसे मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है, आयरन जो है उसमें रस्ट हो जा रहा है यानी जंग लग जा रहा है, ग्रेप्स जो है वो किशमिश में कन्वर्ट हो जा रहा है। सो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो चेंज जो होता है वो दो तरह से होता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। आपने अच्छी तरह से 8th क्लास में पढ़ा होगा कि फिजिकल चेंज किसे कहते हैं, केमिकल चेंज किसे कहते हैं। सो फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, एग्जाम्पल फोल्डिंग ऑफ पेपर। यहाँ पे कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। जैसे आपके हाथ में कोई पेपर है, आप उसको फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने के बाद उसका शेप चेंज होगा, साइज चेंज होगा, लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। केमिकल चेंज किसे कहते हैं। न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड विथ न्यू आइडेंटिटी, एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ पेपर। यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बनता है नई आइडेंटिटी के साथ, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर। अगर आप पेपर को बर्न करते हैं तो जो पेपर है उस वो राख में कन्वर्ट हो जाता है, और राख की प्रॉपर्टी अलग होती है और पेपर की प्रॉपर्टी अलग होती है। जैसे पेपर पे आप पेन से लिख सकते हैं, राख को आप पेन से नहीं लिख सकते। हाउ टू चेक इफ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा कि फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है, लेकिन अब हम इस स्लाइड में ये पढ़ेंगे कि अगर कोई नया सब्सटेंस बन रहा है तो किस तरीके से बन रहा है, हम कैसे पहचान करेंगे कि नया सब्सटेंस वाकई में बन रहा है। सो पहला तरीका है चेंज इन स्टेट। उसका जो स्टेट है वो चेंज होता है, उसकी जो अवस्था है वो चेंज होती है। जैसे H2 गैस है और O2 गैस है, इन दोनों गैसेस को जब मिक्स किया जाता है तो H2 को लिक्विड बनता है। तो ये दोनों गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, यानी उनका स्टेट यानी उनकी अवस्था जो है वो चेंज हो रही है। चेंज इन कलर। कलर में कैसे चेंज होता है, ये आयरन है, ये कॉपर सल्फेट है जो कि ब्लू कलर का है, फेरस सल्फेट बन रहा है यहाँ पे ग्रीन कलर का और कॉपर। सो ब्लू कलर चेंज हो रहा है ग्रीन कलर में। जैसे ही ब्लू कलर ग्रीन कलर में चेंज होगा तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है और एक नया सब्सटेंस क्रिएट हो रहा है यानी बन रहा है। आपने घर में देखा होगा कि हल्दी अगर आपके कपड़े पे गिर जाती है, मीन्स टर्मरिक, और कपड़े पे गिर जाती है और आप उसको साबुन से धोते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, उस कपड़े का कलर चेंज हो जाता है, रेडिश ब्राउन के फॉर्म में हो जाता है। तो यहाँ भी कलर चेंज हो रहा है, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। गैस निकलना, किसी रिएक्शन में से गैस निकलना, जैसे जिंक है और H2SO4 है, ये एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और H2 गैस निकलती है। ये H2 गैस जब निकलती है तो पॉप साउंड करती है, तो इससे पता लग रहा है कि अगर कोई गैस निकल रही है तो भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। फोर्थ टाइप है चेंज इन टेम्परेचर। अगर किसी रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो भी वो केमिकल रिएक्शंस कही जा सकती है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, ये वाटर है। कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब है चूना। चूना जो हम खरीद के लाते हैं पाउडरी फॉर्म में, उसको जब हम पानी में मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और बहुत सारी हीट निकलती है। जिस बर्तन के अंदर उसको मिलाया जाता है वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है। तो इस रिएक्शन में टेम्परेचर के बेस पे हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब फिफ्थ है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अ सॉलिड इंसोल्यूबल मास। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है अ सॉलिड इंसोल्यूबल मास, एक सॉलिड सब्सटेंस जो पानी के अंदर नहीं घुल रहा है। जैसे लेड नाइट्रेट है और पोटेशियम आयोडाइड है। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को जब हम मिक्स करते हैं तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। ये जो लेड आयोडाइड है प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है, मतलब ये पानी के अंदर नहीं घुलेगा, मीन्स सॉलिड इंसोल्यूबल मास है, और इसका कलर जो होता है वो येलो कलर का होता है। तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ें समझ सकते हैं, एक तो कलर भी चेंज हो रहा है, दूसरा प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस है जिससे हम पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है।
अब हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन कहते हैं किसे, केमिकल रिएक्शन द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिलाकर एक नया सब्सटेंस बनता है और उसकी एक अलग प्रॉपर्टी होती है, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस है जो बर्निंग में, बर्निंग मतलब बर्निंग गैस है, ये बहुत जल्दी बर्न करती है। ऑक्सीजन जो है जो बर्निंग में हेल्प करता है, और जब इन दोनों को हम मिला देते हैं तो वाटर बनता है जो बर्निंग यानी आग को बुझाने के काम आता है। कितना अद्भुत है, H2 गैस बर्न करती है, O2 गैस बर्न करने में हेल्प करता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं वाटर, तो बर्न करने को जहाँ आग लगी है उसको बुझाने के काम आता है। और इसके लिए कंडीशन है 1 atm, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, जिसका अर्थ है 1 atm मीन्स प्रेशर ऑफ एयर एट सी लेवल इज 14.6959 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। सी लेवल पे जितना प्रेशर होता है उसको हम 1 atm, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब हमें यहाँ समझना है कि रिएक्टेंट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट किसे कहते हैं। जो भी लेफ्ट साइड में होता है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, जो भी राइट साइड में होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट का मतलब है सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, मतलब शुरू में जो इस्तेमाल होते हैं, उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। जो सब्सटेंस आफ्टर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होते हैं, उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब हम समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन प्रेजेंटेड बाय, केमिकल रिएक्शन दो तरीके से प्रेजेंट की जाती हैं। पहला है वर्ड इक्वेशन, दूसरा है केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में क्या होता है, जो भी सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं उसको हम लिखते हैं, उनका नाम लिखते हैं, बाय वर्ड लिखते हैं। इट इन्वॉल्व्स नेम ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल एंड प्रोडक्ट। और केमिकल फ्री इक्वेशन में क्या होता है, हम नेम ना लिख के एलिमेंट का सिंबल या फिर कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं, केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं उसके फिजिकल स्टेट के साथ। ये गैस की फॉर्म में, ये भी गैस की फॉर्म में, ये भी लिक्विड की फॉर्म में, तो उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इट इन्वॉल्व सिंबल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विच मेंशन फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट के लिए हम सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। S रिप्रेजेंट करता है सॉलिड को, L रिप्रेजेंट करता है लिक्विड को, G रिप्रेजेंट करता है गैस को, AQ रिप्रेजेंट करता है एक्वस सोल्यूशन को। एक्वस सोल्यूशन का मतलब है अ सोल्यूशन इन वाटर। अ सोल्यूशन इन वाटर मीन्स अगर वाटर के साथ हमने शुगर ऐड कर दिया, शुगर सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। अब पढ़ते हैं कि बैलेंस कैसे करा जाए केमिकल इक्वेशन को। हमारे पास ये इक्वेशन है जिसमें हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और यहाँ पे वाटर बन रहा है। अगर आप शुरू में देखें तो रिएक्टेंट के साइड में हाइड्रोजन के कितने हैं, दो रिएक्टेंट मतलब दो एटम्स इस्तेमाल हुए हैं, ऑक्सीजन के हैं दो एटम इस्तेमाल हुए हैं। अगर प्रोडक्ट साइड में देखें तो हाइड्रोजन में दो प्रोडक्ट हैं और ऑक्सीजन एक है। अगर कोई हमसे पूछे कि एक ऑक्सीजन कहाँ गया, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि एक ऑक्सीजन कहाँ गया, रिएक्शन में कहाँ चला गया। तो ये ऐसे इक्वेशंस को जिसके अंदर बैलेंस नहीं है, उन इक्वेशन को हम स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं। इससे सिर्फ ये पता लगता है कि कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहा है, ये नहीं पता लगता कि कितना इन्वॉल्व हो रहा है, कितना अमाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमने इस H2 के आगे 2 लिख दिया। जैसे ही हमने 2 लिखा है तो अब रिएक्टेंट साइड में देखेंगे तो हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। और प्रोडक्ट साइड में देखेंगे जिसके आगे हमने 2 लिखा है तो हाइड्रोजन के 4 हैं और ऑक्सीजन के 2 हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को बैलेंस इक्वेशन कहते हैं जिसके रिएक्टेंट साइड में जितना एटम्स यूज हुआ है और प्रोडक्ट साइड में जितने एटम्स यूज हुए हैं वो एक बराबर हों। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। नेक्स्ट है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन हमें इस क्लास में, इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है उसके बारे में। सो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो चीज़ें कंबाइन होकर तीसरी चीज़ बनती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक चीज़ सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो चीज़ें डिस्प्लेस होती हैं। पाँचवा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। छठा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सातवा एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो पहले टाइप के रिएक्शन को अच्छे से पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। आपस में क्यों मिलते हैं, क्योंकि इनके बीच में चार्जिंग अट्रैक्शंस होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, इसलिए ऐसा होता है। सो यहाँ पे ए और बी दोनों मिक्स होकर ए बी बना रहे हैं। सेम ऐसे ही कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर वाटर
मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिएक्शन इन विच अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक इंटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, एक बड़ा एटम होता है, वो ब्रेक होता है सिंपलर सब्सटेंसेज में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे एटम्स में, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरीके से होता है, हीट के साथ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ और लाइट के साथ। इस जब हीट के साथ होता है तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। यहाँ देखेंगे लाइमस्टोन जो है वो ब्रेक हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड में जब हम उसे हीट देते हैं। यह डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे डिकम्पोजिशन यानी एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो रहा है हीट की सहायता से, इसलिए हम इसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड टाइप है इलेक्ट्रिसिटी के साथ। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो ये H2 और O2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सो हेयर डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ पे एक बड़ा एटम जो है वो ब्रेक हो रहा है दो छोटे छोटे एटम्स में इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से, इसलिए हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि ये H2 जो है वो कैथोड पे रिलीज होगा और ऑक्सीजन जो है वो एनोड पे रिलीज होगा जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब। नेक्स्ट है रिक्वायर हीट, जब हीट की ज़रूरत होती है। ये हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है, जब इसको लाइट के में रख दिया जाता है तो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोराइड अलग हो जाता है। सो हेयर डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय लाइट फ्रॉम सन इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन हो रहा है सिल्वर क्लोराइड ब्रेक हो रहा है छोटे छोटे एटम्स में सिल्वर और क्लोराइड में, वो लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके सॉल्ट में से रिमूव कर देता है, उसको हटा देता है और खुद उसके सॉल्ट के साथ रिएक्शन कर लेता है, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे आयरन है, ये कॉपर को इसके सल्फेट सॉल्यूशन से हटा देगा और खुद बन जाएगा फेरस सल्फेट। जो आयरन ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट है इसको ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी फेरस सल्फेट ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें जो आयरन नेल्स हमने यूज़ करी थी, आयरन नेल्स बिकम ब्राउन बाय डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन इट। कॉपर जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है, वो आयरन नेल के ऊपर आके इकट्ठा हो जाएगा, इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जहाँ पे एक रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे रिएक्टिव एलिमेंट के सॉल्ट में से उसको रिमूव करके खुद पहुँच जाता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस आर फाउंड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू रिएक्टिंग कंपाउंड्स। यहाँ पे जो है ए बी और सी डी दो एटम्स हैं, ए सी के साथ चला गया, बी डी के साथ चला गया। यहाँ देखिए ए सी और बी डी, यहाँ पे दो एटम्स की प्लेस चेंज हो रही है, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के साथ चला गया और बेरियम सल्फेट के साथ चला गया, तो यहाँ बन गया बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट जो होता है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है, प्रेसिपिटेट का मतलब पानी के अंदर नहीं घुलता है, और ये एब्सोल्यूट वाइट कलर का, क्रिस्टल वाइट कलर का अच्छे से दिखता है। तो इसमें क्या होता है, आयन्स एक्सचेंज होते हैं, सोडियम पॉजिटिव चार्ज होता है, बेरियम भी पॉजिटिव चार्ज होता है, सल्फेट नेगेटिव चार्ज होता है, क्लोराइड भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज बेरियम का है वो सल्फेट के नेगेटिव चार्ज के साथ रिएक्शन करता है, और सोडियम जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्लोरीन नेगेटिव चार्ज के साथ रिएक्ट करता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी चार्जिंग कैपेबिलिटीज जो हैं वो इनको अट्रैक्ट करती हैं और रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड होना रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम रिएक्टेंट, यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है तो इसको हम रिडक्शन कहते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम रिएक्टेंट एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करा जाएगा रिएक्टेंट के साथ तो उसे हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम रिएक्टेंट करा जाएगा तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
रिडॉक्स रिएक्शन एक थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन को ऐड करने पे बनती है। जैसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस टुगेदर इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। सो ये जो टाइप है ये रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ के अंदर ऑक्सीडेशन कहाँ कहाँ पे होता है। तो फर्स्ट है कोलिजन। मेटल अटैक्ड बाय एयर वाटर एंड एसिड बिकम्स वीक एंड अपर लेयर शेड आउट इज कॉल्ड कोलिजन। कोलिजन क्या होता है, कोई भी मेटल है उस पर एयर वाटर या एसिड जब पड़ता है तो वो ऊपर की लेयर उसकी वीक हो जाती है और हटने लग जाती है, पपड़ी बन के बाहर निकलने लग जाती है। ऐसी कंडीशन को हम कोलिजन कहते हैं। ये डिफरेंट एलिमेंट में डिफरेंट तरीके से होता है। जैसे ब्राउन कोट और लेयर सराउंड आयरन आफ्टर कोलिजन इज कॉल्ड रस्ट। आयरन के केस में इस कोलिजन को रस्ट का नाम दिया गया है। यहाँ क्या होता है, ब्राउन कलर का कोट आ जाता है, ब्राउन कलर का कलर आ जाता है आयरन के ऊपर जब उसमें जंग लगता है। तो ब्लैक कोट और लेयर सराउंड सिल्वर आफ्टर कोलिजन। जो सिल्वर होता है उसके ऊपर ब्लैक कलर आ जाता है तो उसको हम कोलिजन कहते हैं। ग्रीन कोट और लेयर सराउंड कॉपर आफ्टर कोलिजन। ग्रीन कलर का कोट आ जाता है कॉपर के ऊपर, कॉपर के जो वेसल्स होते हैं, लोटा होता है या थाली होती है या फिर प्लेट होते हैं, ग्लास होते हैं, वो अंदर से ग्रीन कलर के हो जाते हैं जब उनको कोलिजन होता है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्राउन कौन सा मेटल होता है, ब्लैक कौन सा मेटल होता है और ग्रीन कौन सा मेटल होता है। कोलिजन प्रिवेंटेड बाय गैल्वनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड पेंटिंग। गैल्वनाइजेशन का मतलब है कि दो एटम्स को एक निश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है तीसरा एलिमेंट बनाने के लिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का अर्थ है कि एक एटम को ऊपर दूसरे एटम की लेयर चढ़ाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से। पेंटिंग का मतलब है एक एटम यानी एक एलिमेंट के ऊपर दूसरे एलिमेंट की लेयर चढ़ाई जाती है मैन्युअली, उसको हम पेंटिंग कहते हैं। इन तीनों तरीके से कोलिजन को बचाया जा सकता है, जंग लगने से बचाया जा सकता है आयरन को। अब रैंसिडिटी के बारे में पढ़ते हैं। आपने सुना होगा फैट एंड ऑयल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू बिकम रैंसिड विच गिव्स बैड स्मेल, बैड टेस्ट एंड स्लिपरी टच। जब फैट और ऑयली सब्सटेंस रात को हमारे यहाँ बच जाता है और वो रात को रखा रह जाता है तो उसकी सुबह पे बैड स्मेल आती है उसमें से, बैड टेस्ट हो जाता है और टच करने पे स्लिपरी हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन को हम रैंसिडिटी कहते हैं। रैंसिडिटी से बचने के लिए हम उसका रेफ्रिजरेशन कहते हैं, मतलब कीपिंग थिंग्स इन फ्रिज, उसको फ्रिज में रख देते हैं। नाइट्रोजन गैस, चिप्स पैकेट फिल्ड बाय नाइट्रोजन गैस। चिप्स पैकेट जो होती है उसके अंदर जो एयर भरी होती है वो बेसिकली नाइट्रोजन गैस होती है। ये ऑक्सीजन की सप्लाई को उस चिप से रिएक्शन करने से रोकती है। कीप फूड इन एयर टाइट कंटेनर सो डैट इट डजेंट रिएक्ट विद प्रेजेंट ऑक्सीजन इन एयर। सो हम फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं ताकि ऑक्सीजन जो एटमोसफेयर में है, एयर के अंदर है, वो उनके साथ रिएक्ट ना करे और वो ऑक्सीडाइज ना हो, खराब ना हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विथ प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज होती है, हीट बाहर निकलती है, ऐसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये मीथेन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट रिलीज होती है। ये मीथेन वही मीथेन है जो हर फ्यूल में होता है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर वो वुड हो। एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इज कैरिड टू ब्रेक रिएक्टेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है किसी सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए, उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एंडो का मतलब अंदर आना और एक्सो का मतलब बाहर जाना। एक्सो का मतलब हीट बाहर निकलती है, एंडो का मतलब हीट अंदर जरूरत होती है रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। इसके अंदर ये पैडी एक्टिविटी है हमारी एक्टिविटी 1.1। इसके अंदर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न। मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज वाइट पाउडर। सो आप देख ध्यान से देखिए, ये हमारे पास मैग्नीशियम रिबन बर्न कर रहे हैं, ठीक है। ये मैग्नीशियम बर्न हो रहा है डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ। डेजलिंग वाइट फ्लेम का मतलब है कि जब ये बर्न होगा तो जैसे आप फुलझड़ी जलाते हैं दिवाली के समय तो वाइट कलर का फ्लेम आता है और वो टुर 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 करके जलता है, इसको हम डेजलिंग वाइट फ्लेम कहते हैं। और ये फ्लेम को जब बर्न करते हैं तो यहाँ से एस जो उसकी राख है, ये वाइट कलर की राख यहाँ पे
इकट्ठी होती है। तो इसके अंदर हम आप समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और ये वाइट कलर का यहाँ पे होता है, ये वाइट कलर का होता है। तो मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज अ वाइट पाउडर। ये कौन से टाइप की रिएक्शन है? दिस इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे ये दो चीज़ें कंबाइन होके तीसरी चीज़ यहाँ पे बन रही है जिसकी आइडेंटिटी नहीं है इन दोनों को मिला के। नेक्स्ट नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ पढ़ते हैं। एक्टिविटी 2.2, व्हाट हैपेंस व्हेन आयोडाइड सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन एडेड टू लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। क्या होता है अगर पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ ऐड करते हैं? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे पास ये पोटेशियम आयोडाइड है जो कि ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट मतलब हम उसके आर पार देख सकते हैं। ये लेड नाइट्रेट है, ये भी ट्रांसपेरेंट है जिसके आर पार हम देख सकते हैं, ये पानी की तरह हमें दिखता है। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बनता है पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड। पोटेशियम नाइट्रेट जो बनता है ये भी ट्रांसपेरेंट होता है, ये पानी की तरह दिखेगा आपको, लेकिन येल्लो प्रेसिपिटेट जो है ये बहुत बढ़िया येल्लो प्रेसिपिटेट लेड आयोडाइड का देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है और येल्लो प्रेसिपिटेट लेड आयोडाइड का बन रहा है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में देखिए, यहाँ पे के आई अलग है और यहाँ पे पी बी एन ओ थ्री है। आप देखेंगे कि के एन ओ थ्री के साथ चला गया और पी बी आई के साथ चला गया, इसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो जिसे हम आयनिक रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। 1.3, एक्टिविटी 1.3, यहाँ पे जिंक के कुछ पीसेस जो हैं वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाले जा रहे हैं। सो देखते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन ग्रेन्यूल्स, जिंक ग्रेन्यूल्स एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो क्या होता है जब हम जिंक ग्रेन्यूल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाल रहे हैं? ये हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है या डाइल्यूट HCl होगा, इसके अंदर हम ये यहाँ पे इसके अंदर ये डाल रहे हैं जिंक ग्रेन्यूल्स। जैसे ही जिंक ग्रेन्यूल्स डालते हैं तो यहाँ पे कुछ बॉइलिंग और बबल्स दिखते हैं, ये बबल्स धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलते हुए दिखेंगे और ऊपर आने के बाद आपको यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ पे अगर एक बर्निंग कैंडल लेके आते हैं तो ये पॉप साउंड करेगा। तो पॉप साउंड आपने समझ लिया होगा कि पॉप साउंड तब रिलीज होता है जब हम हाइड्रोजन गैस का चेक करते हैं। सो आप देखेंगे कि जिंक है ये डाइल्यूट HCl के साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहाँ पे जिंक है ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आप ध्यान रहे यहाँ पे हीट भी निकल रही है, दो चीज़ें निकल रही हैं, हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है और हीट भी निकल रही है। सो ये इस रिएक्शन से आप क्या समझते हैं? दिस रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड इसके अंदर एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस भी हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। एक्टिविटी 1.4, एक्टिविटी 1.4 में कैल्शियम ऑक्साइड है, इसे क्विक लाइम भी कहते हैं, यहाँ वाटर है, इन दोनों को जब मिक्स कर रहे हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। अब हम इसे ध्यान से समझते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड वाइट कलर का पाउडरी मटेरियल होता है जिसे हम पुताई करने के लिए, घर में पुताई करने के लिए खरीद के लाते हैं। जब इसे हम पानी के साथ मिलाते हैं तो हमारे यहाँ बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये जो हाथ दिखा रखा है वो इसलिए दिखा रखा है कि इसके अंदर जब हीट प्रोड्यूस होगी तो आप हाथ से टच करके भी ये महसूस करते हैं कि ये हीट रिलीज होता है। सो आप रिमेंबर करिए कि किस टाइप ऑफ रिएक्शन में हीट रिलीज होती थी। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एवोल्यूशन ऑफ हीट, दिस इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो एक ही रिएक्शन में आप दो टाइप आराम से पढ़ सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.5, इस एक्टिविटी में आप देखेंगे यहाँ पे इस गर्ल ने फेरस सल्फेट को हीट करना स्टार्ट किया है, ये फेरस सल्फेट को हीट कर रही है
और अपने माउथ के पास इसने हाथ भी लगा रखा है ताकि इसकी जो फ्यूम्स निकलें, इसकी जो गैस निकल रही है वो इसके नाक के आसपास ना जाए और नाक के से इसकी बॉडी के अंदर ना जाए। तो समझते हैं कि इस रिएक्शन में होता क्या है। ये फेरस सल्फेट है, FeSO4। ये ग्रीन कलर का सॉलिड सब्सटेंस होता है। जब हम इसको हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो ये थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो दो गैसेस निकल रही हैं, सल्फर ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये बहुत ही डेंजरस गैसेस होती हैं और इनसे पंजेंट स्मेल हमको मिलती है। पंजेंट स्मेल का मतलब है सड़े हुए अंडे की स्मेल आती है। इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड का ज़्यादा असर होता है पंजेंट स्मेल। और इस पंजेंट स्मेल से बचने के लिए इस गर्ल ने अपना हाथ रख रखा है ताकि नोज के थ्रू इसके ये पंजेंट स्मेल ना आए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब ये कौन से टाइप की रिएक्शन है? ये है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये है लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या होता है। हमारे पास है लेड नाइट्रेट PbNO3 2। इसको जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है। ये ध्यान रहे, ये एक्टिविटी 1.6 अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है NCERT में, तो आपको अच्छे से ध्यान देना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में हर दूसरे साल पूछा जाता है। लेड नाइट्रेट को हम टेस्ट ट्यूब के अंदर बॉईल कर रहे हैं। लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है। लेड ऑक्साइड जब बनेगा तो वो येलो कलर का होगा, यहाँ पे कॉर्नर्स पे टेस्ट ट्यूब के लास्ट में येलो कलर का सॉलिड सब्सटेंस होगा। इसके अंदर से रेडिश ब्राउन फ्यूम्स विथ इरिटेटिंग स्मेल्स, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकल रही है। देखिए यहाँ पे रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकल रही हैं जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड की हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है कि आप एक रिएक्शन का एग्जाम्पल दीजिए जिसमें रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आ रही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो एग्जाम में पूछी जाती है। लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड, जो येलो कलर का सॉलिड सब्सटेंस, टेस्ट ट्यूब में रह जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड बाहर निकलता है जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है और उसकी बहुत इरिटेटिंग स्मेल होती है। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.7। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक टाइप है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से हीट को हम इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से वाटर को हम ब्रेक कर रहे हैं H2 और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। जैसे ही हम इसके अंदर हीट पास, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास बैटरी है, ये कैथोड है, ये एनोड है, इलेक्ट्रोड्स हैं। ये ऑक्सीजन गैस निकल रही है, ऑक्सीजन गैस एनोड पे निकल रही है और कैथोड पे निकल रही है हमारी हाइड्रोजन गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से इलेक्ट्रोड से कौन सी गैस बाहर निकल रही है। आप एक चीज़ और ध्यान से दीजिए, जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो यहाँ पे आप जो गैप देखेंगे ये गैप ज़्यादा है और यहाँ पे ये गैप कम है। इसका क्या अर्थ है, थोड़ा सा समय लगाइए। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो रही है, इसलिए यहाँ पे ऊपर को आपको ज़्यादा ब्लैंक देखने को मिल रहा है। हाइड्रोजन गैस की क्वांटिटी ज़्यादा है और ऑक्सीजन गैस की क्वांटिटी कम है, इसलिए यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है इस एक्टिविटी में। अब हम समझते हैं कि रिएक्शन होती कैसे है। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस कैथोड पे निकलती है और ऑक्सीजन गैस एनोड पे निकलती है। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑक्सीजन गैस की अमाउंट जितना है उससे दुगना अमाउंट हाइड्रोजन गैस का है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा गैप था और यहाँ पे कम गैप है। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड एट इलेक्ट्रोड कैथोड इन द टेस्ट ट्यूब इज डबल देन द ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड एट इलेक्ट्रोड एनोड। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पढ़ते हैं, 1.8 की तरफ। इसके अंदर आप देखेंगे हमारे पास एक चाइना डिश है। चाइना डिश में हमने सिल्वर क्लोराइड सोल्यूशन ले लिया है। सिल्वर क्लोराइड सोल्यूशन जो होता है वो वाइट कलर का होता है। इसके अंदर सनलाइट पड़ रही है, इसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है। जैसे ही सनलाइट पड़ती है तो ये सिल्वर क्लोराइड सोल्यूशन जो है वो सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। तो ये एक टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, एक टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस दो या दो से अधिक सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है। और क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में
बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसलिए इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे बार बार पूछा भी जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी की जो बढ़ते हैं, एक्टिविटी 1.9। ये एक्टिविटी अगर आपने ध्यान से नहीं समझी तो आप बहुत इम्पॉर्टेंट मार्क्स मिस कर जाएंगे एग्ज़ाम में। ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा आती है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे दो आयरन नेल्स हैं, एक आयरन नेल्स का मेन कलर कैसा है और आयरन नेल्स उसके बाद कैसे चेंज हो जाती है ये देखते हैं। हमारे पास आयरन नेल्स हैं, हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जो कि ब्लू कलर का होता है। इस आयरन नेल को हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया, जैसा कि आप इस टेस्ट ट्यूब में देख रहे हैं। ये हमारी आयरन नेल्स को हमने थ्रेड से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का है इसके अंदर डुबो दिया। थोड़े समय के बाद हम ये देखेंगे कि फेरस सल्फेट यानी इसके अंदर जो सॉल्यूशन है जो ब्लू कलर का था वो लाइट ग्रीन कलर का और ग्रीन कलर का हो जाएगा, और जो आयरन नेल्स इसके अंदर लटका रखी थी उस आयरन नेल के ऊपर एक ब्राउन कोटिंग यहाँ पे आ जाएगी। ये ब्राउन कोटिंग कॉपर की होती है। होता क्या है कि जब आयरन नेल्स को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबाते हैं तो आयरन के एटम्स जो होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं जो आयरन नेल्स के ऊपर होते हैं, वो धीरे धीरे हटने लग जाते हैं और वो सल्फेट के साथ रिएक्शन करके आयरन सल्फेट बना लेते हैं, फेरस सल्फेट बना लेते हैं। और ये जो कॉपर है, ये जो आयरन नेल के ऊपर से जो आयरन हटा है वहाँ पे जाके डिपॉजिट होता है, इसलिए ब्राउन कलर गेट कोटेड ऑन आयरन नेल्स, आयरन नेल्स के ऊपर ब्राउन कलर आ जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। ये हमारी एक्टिविटी 1.10 है। ये एक्टिविटी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम सल्फेट रखा है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड रखा है। आप ध्यान दें, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का दोनों का कलर वाइट है। जब हम लेबोरेटरी में ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो दोनों वाइट होने की वजह से हम समझ नहीं आता कि कौन सा सोडियम सल्फेट है, कौन सा बेरियम क्लोराइड है। इसलिए हम टेस्ट ट्यूब का नाम देते हैं, इसका टेस्ट ट्यूब का नाम ए दे देते हैं, इसका टेस्ट ट्यूब का नाम बी देते हैं। ए टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम सल्फेट है, बी टेस्ट ट्यूब के अंदर बेरियम क्लोराइड है। जैसे ही हम इसको मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक सोल्यूशन बनता है जिसे हम कहते हैं बेरियम सल्फेट। ये बेरियम सल्फेट वाइट कलर का होता है, ध्यान रखेंगे, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का अर्थ होता है जो पानी में नहीं घुलता। सो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। ये एक टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसके अंदर आयनिक एक्सचेंज हो रहा है। आप ध्यान रहे, डिस्प्लेसमेंट में सिंगल आयन एक्सचेंज होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में दो आयन आपस में एक्सचेंज होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये एक्टिविटी 1.11। एक्टिविटी 1.11 में ये हमारे पास चाइना डिश है, इसके अंदर हमने ब्राउन कलर का कॉपर ले लिया है। जब हम इसको हीट करते हैं यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है इसकी, तो कॉपर ऑक्साइड बनता है और ये ब्लैक कलर का हो जाता है। ये एक टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये एक टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये एक टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन है और ये एक टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। तो यहाँ पे तीन रिएक्शन कवर हो रही है। पहली टाइप है कॉम्बिनेशन, दूसरी टाइप है, पहली टाइप है कॉम्बिनेशन, दूसरी टाइप है ऑक्सीडेशन और तीसरी टाइप है एंडोथर्मिक। एंडो मतलब हीट की जरूरत पड़ रही है हमें रिएक्शन करने के लिए। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर लर्निंग।